अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ जहांगीर अकबर एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ एसएमएलओ कॉलेज बीएलएलबी पार्ट 3। और ये कुछ दिनों से ये जो सोशल मीडिया पे एसएमएलओ कॉलेज का मसला चल रहा है, तो कुछ सीनियर थे मेरे, उन लोगों ने भी कमेंट्स दिए हैं, वीडियो पे काम दिए, सीनियर थे मेरे, बेच के लोग थे, सब लोगों ने कमेंट्स भी दिए हैं और वीडियो भी भेजे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आज उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन थोड़ा आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि एसएमएलओ कॉलेज का मसला है क्या, क्यों मसला हो रहा है और ये मसला कौन पैदा कर रहा है, तो इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि एसएमएलओ कॉलेज 1947 28 जून को वजूद में आया, 28 जून को बिफोर पार्टीशन, यानी एसएमएलओ कॉलेज पाकिस्तान के बनने से पहले ही वजूद में आ चुका था। और उसका जो फर्स्ट एजुकेशन फंक्शन था, जो टीचिंग स्टार्ट हुई थी, वो सिंध मदरसतुल इस्लाम में हुई थी और उसको एफिलेटेड किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से। फिर 1948 में फिर उसको एफिलेटेड किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। जब एफिलेशन से लेकर आज तक बहुत अच्छा माहौल चलता रहा और कुछ सालों के बाद ये जो मसला बिगड़ा एफिलेशन का मसला उससे चला कि एसएमएलओ कॉलेज कराची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, लेकिन मैं मसले के ऊपर थोड़ा बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको इसकी सक्सेसफुल हिस्ट्री बता दूं कि एसएमएलओ कॉलेज की सक्सेसफुल हिस्ट्री है क्या। सक्सेसफुल हिस्ट्री एसएमएलओ कॉलेज की ये है कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, वो भी एसएमएलओ कॉलेज के स्टूडेंट है, और मेजॉरिटी ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट देर आल्सो बिलोंग्स टू द एसएमएलओ कॉलेज एंड देर आल्सो स्टूडेंट ऑफ द एसएमएलओ कॉलेज। ये सक्सेसफुल हिस्ट्री है एसएमएलओ कॉलेज की। ये जो बड़े बड़े लोग और जो मेजॉरिटी ऑफ द जजेज इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो जो हैं वो एसएमएलओ कॉलेज से हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो था अनवर मंसूर, और वो और फेडरल लॉ मिनिस्टर जो था फरक नसीम, वो भी ही इज आल्सो स्टूडेंट ऑफ द एसएमएलओ कॉलेज। ये सब एसएमएलओ कॉलेज के स्टूडेंट हैं। नो डाउट कि एसएमएलओ कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप 5 कॉलेज में शामिल होता है और स्टडी बहुत अच्छी स्टडी है। टाइप 5 में जब शामिल है तो इसकी स्टडी भी बेहतरीन है, बहुत अच्छी स्टडी है। और इसके जो मसले हैं, इनके मसले के ऊपर मैं बात करूंगा कि एसएमएलओ कॉलेज ने हीरे दिए, हीरे जो पाकिस्तान की बका के लिए जंग लड़ रहे, जुडिशरी में जाओ, ब्यूरोक्रेसी में जाओ, ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री देर इज़ आल्सो स्टूडेंट ऑफ एसएमएलओ कॉलेज। एसएमएलओ कॉलेज के स्टूडेंट हर जगह हैं, हर शोबे में, पूरे पाकिस्तान में हैं। और ये इतनी बड़ी इसकी सक्सेसफुल हिस्ट्री है कि एसएमएलओ कॉलेज ने हीरे पैदा किए, इसके बावजूद एसएमएलओ कॉलेज को जानबूझ के वैल्यू से डीवैल्यू किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं और ये इतना जो मुल्क की तरक्की के लिए ये काम कर रहा है, ये जुडिशरी को मजबूत करने के लिए एसएमएलओ कॉलेज बहुत अच्छे बेहतरीन वकील पैदा कर रहा है, तो इसके खिलाफ जो है वो ये बहुत बड़ी कंस्पायरेंसी हो रही है इसको ख़त्म करने के लिए और इसको तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। तो मैं आज इसके मसले के ऊपर बात करूंगा, मैं दूसरे मसलों के ऊपर बात नहीं करूंगा जो एसएमएलओ कॉलेज के मसले हैं और जो मैं खुद एज ए स्टूडेंट ऑफ एसएमएलओ कॉलेज मैं फेस कर रहा हूं, मैं आज उनके ऊपर बात करूंगा कि सबसे पहले जो एसएमएलओ कॉलेज का मसला है वो है एफिलिएशन का मसला। सर वो एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एफिलिएशन है, उससे जो मसले पैदा होते हैं वो मसले हैं सबसे पहले कि हमारे एग्ज़ाम का मसला है। एग्ज़ाम टाइम पर हमारे नहीं हो रहे, जो सिलेबस ख़त्म हो जाता है हम दूसरे क्लास में प्रमोट हो जाते हैं, तो वो भी हमारे जो पिछले एग्ज़ाम है वो नहीं होते। और मैं खुद इनरोल्ड हूँ 2016 का, हमारे 17 में एडमिशन हुई थी, तो उससे लेकर आज तक जो ये 2020 चल रहा है, तो हमारे सेकंड ईयर के पेपर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुए हैं। बाकी जो एलएलबी पार्ट 1 के यानी कि थर्ड ईयर के जो हैं हमारे पेपर रहते हैं वो भी, और जो 17 में लोग हैं, 18 में हैं, 20 में हैं, तो वो उनकी डिग्री भी पीछे चलती जा रही है ओनली बिकॉज ऑफ दे डिलेइंग एग्जाम, अननेसेसरी डिलेइंग एग्जाम, वो एग्ज़ाम को गैर ज़रूरी तरीके से जो है वो एग्ज़ाम को पीछे कर रहे हैं, तो वो मसले उससे पैदा हो रहे हैं। हम उस मसले को कोशिश करने हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये मसला ना करें, और ये जो एफिलिएशन का मसला है तो इसके ऊपर भी आप करें। अगर आप एसएमएलओ कॉलेज को सही तरीके से नहीं चला सकते, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को इतने खुद उसके डिपार्टमेंट हैं, तो एसएमएलओ कॉलेज को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाएं, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बनाएं कि वो खुद डिग्री से दे सके। जब वो पढ़ा खुद रहा है, एडमिशन खुद रहा है, सब चीज़ें खुद कर रहा है, तो डिग्री क्यों नहीं वो खुद दे सकता। आप भी अगर इसको मसले को नहीं कर रहे तो आप इसको डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बनाएं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाएं कि वो खुद एग्जाम ले,
चेक भी खुद एग्जाम करे, जो सारी चीज़ें हैं वो खुद करे और डिग्री भी वो खुद देगा। अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ये प्रॉब्लम है, हम पैसे भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लॉ कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान। आप देख लें उनको कि हमारे जो फीसेज हैं वो भी दूसरे कॉलेजों से थोड़ी बढ़ के फीस हैं, हम वो भी फीसें दे रहे हैं। जो ये चीज़ें डिमांड कर रहे हैं हम वो डिमांड कर रहे हैं, इनके बावजूद भी हमारे जो लीगल राइट्स हैं हमें एजुकेशन नहीं सही तरीके से, जो एजुकेशन हमारा हक है वो तो हमें दे रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे, उसका कोई सिस्टम नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, हम ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसके बावजूद हमारा वो मसला हल नहीं किया जा रहा। स्कॉलरशिप का मसला है, इतना बड़ा कॉलेज है इसमें स्कॉलरशिप नहीं है, छोटे से छोटे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी स्कॉलरशिप होती है। क्यों है? ये कराची यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एफिलेटेड है, अगर ये उससे अलग हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, तो ये खुद स्कॉलरशिप भी दे सकेगा, बच्चों को रिलीफ भी दे सकेगा, सब चीज़ें जो पेपर भी खुद बनाएगा, चेक भी खुद करेगा, जो टीचर पढ़ाएंगे वही टीचर जो हमारे चेक करेंगे तो उनको पता होगा कि हम बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं। इसमें ये हो गया, पेपर एसएमला कॉलेज में हमें पढ़ाते हैं, सारा सिलेबस एसएमला कॉलेज पढ़ाता है, पेपर निकालती है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, उसको क्या पता कि इसको हम लड़कों को क्या पढ़ाया टीचर ने एसएमला कॉलेज में और एसएमला कॉलेज ने क्या इनको पढ़ाया है, वो उनको पता ही नहीं है, वो अलग पेपर बनाते हैं। अब चलो पेपर भी हो जाते हैं तो फिर उसमें एक एक एक, एक सब्जेक्ट में ढाई ढाई 300 लड़कों का जो रेशो है वो उसमें ही हो जाता है फेल, एक सब्जेक्ट में इनका रेशो बना हुआ है, फर्स्ट ईयर में एक में, सेकंड ईयर में दूसरे में, थर्ड ईयर में तीसरे में, मतलब एक एक सब्जेक्ट इनका मखसूस किया हुआ है कि हम इनमें लड़कों को फेल करना है। भाई ये हाउ इज़ पॉसिबल टू ऑल स्टूडेंट फेल इन वन सब्जेक्ट? ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे लड़के जो है सारे स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट में फेल हो। चलो वो भी मसला हो गया, उससे भी हम उनसे भी हम निकल के आते हैं, तो जब फाइनल डिग्री हमारी आती जाती है तो फिर उसका कन्वर्सेशन भी नहीं होता, ये इज्जत से तो डिग्री भी नहीं देते। फिर यार ये एजुकेशन राइट है हमारा कि हमें इज्जत से डिग्री भी ना दे, हमने 5 साल एसएमला कॉलेज में दिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पेपर हमने दिए, हमारा ये भी हक नहीं है कि हमें वो डिग्री इज्जत से डिग्री दे, ये भी नहीं है। हमारी डिमांड्स कोई गलत डिमांड है, हम कोई इलीगल डिमांड कर रहे हैं? हम तो भाई लीगल डिमांड कर रहे हैं, हम पैसे भर रहे हैं, तो हमें एक प्रॉपर सिस्टम तो एजुकेशन का चाहिए, हमारा एक प्रॉपर सिलेबस हो, प्रॉपर शेड्यूल हो कि इस टाइम पे एसएमला कॉलेज के पेपर होंगे, उनके बाद ये इस टाइम में रिजल्ट आएगी, इस टाइम पे जो है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे, जो सारी चीज़ें वो एक टाइम टेबल, तो या तो कोई पता ही नहीं चलता कब छुट्टियाँ होंगी, कब एसएमला कॉलेज के पेपर होंगे, कब यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी, हमें तो कोई पता ही नहीं होता। जैसे हम कोई यहाँ के मखलूक ही नहीं, मरीज से आए भाई, हमारे साथ एक अलग सुलूक आप कर रहे हो। आप अगर आप इसको संभाल नहीं सकते तो आप इसको यार इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाएं एसएमला कॉलेज को, तो वो खुद डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, तो अपने खुद मसले हल कर देगा। आप वो भी काम नहीं कर रहे, छोड़ भी नहीं रहे, तो उसको तरक्की भी करने नहीं देते, उसके जो मसले वो हल करने भी नहीं देते। भाई हमारी लीगल डिमांड है, हम ये लीगल डिमांड कर रहे हैं कि हमारी ये जो डिमांड्स हैं आप इनको प्रमोट करें, इनके ऊपर जो है इसको कंसिडर करें कि भाई इनकी जो डिमांड्स हैं वो लीगल डिमांड है। अगर आप उसको संभाल नहीं सकते, आपके पास इतने डिपार्टमेंट है, तो खुदा रहे इसको तो इंडिपेंडेंट करें, इसको छोड़ दें, वो खुद बनाएगा। अगर आप ये भी काम नहीं कर रहे हो तो हमारी तो लीगल डिमांड है कि हमारे प्रॉपर शेड्यूल हो, पेपर कब होंगे। और ये कोरोना की वजह से ये जो है वो पेपर डिले नहीं हुए हमारे, ये इससे पहले का मसला है, कोरोना के से पहले तो बहुत, अभी तो हालात ही ख़राब हो गए लेकिन कोरोना से पहले भी बहुत हालात ख़राब थे ये जो एजुकेशन के मामले में। ये जो अभी ये केसेस चल रहे थे हमारा यार एज ए स्टूडेंट, हमारा ये तो नहीं ना हर बात के लिए हम हाई कोर्ट में चले जाएं, हम और कोर्ट के ज़रिए जो हम अपने राइट्स को जो है वो लें, राइट हमारे अपने राइट लें और उनके ऊपर अमल करवाएं, हम कोर्ट के ज़रिए तो नहीं जा सकते ना बार बार। हम स्टूडेंट हैं यार, हम भी दलील होंगे, बार बार इधर जाओ उधर जाओ ये मसला नहीं है, हमारे लीगल राइट्स हैं, हमें उसके राइट को जो है हमें राइट्स दिए जाए कि उनको इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। और ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, ये मेरे सीनियर की आवाज़ है, मेरे जूनियर की आवाज़ है, और ये जो एसएमला कॉलेज के पूरे एसएमला कॉलेज की आवाज़ है, ये जो मेरी आवाज़ आपके ऊपर जा रही है आपके पास, ये पूरे एसएमला कॉलेज की आवाज़ है। सभी ये मसले फेस कर रहे हैं, मैं नहीं, सीनियर हो जूनियर हो जो कोई भी हो वो सब मसले फेस कर रहे हैं, स्टडी से लेकर एग्जाम से और डिग्री देने और लेने तक उधर तक हमें मसले फेस करने पड़ रहे हैं। तो हमें अपील कर रहे हैं भाई इस मसले को हल करें, जो भी कंसर्न अथॉरिटी हैं, जो छुपे हाथ हैं इसके पीछे, हिडन हैंड्स जो उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुदा रहा उसको हल करें और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, एसएमला कॉलेज के मसले को हल करें।
ये था मेरा थोड़ा सा पैगाम था, मैंने सब आप दोस्तों के लिए किया। अगर आप लोगों को मेरे दोस्तों को पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि उन जो हायर अथॉरिटी है जो इस मसले को हम इस मसले को हल कर सकती हैं, तो ये मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाए तो हम स्टूडेंट हैं, हमारा मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। वी आर ऑल्सो फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान। हम में से कल वकील होंगे, हम में से कोई जज होंगे, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, जुडिशरी में जाएंगे, तो हमारा हक है। अगर हमें भी हक नहीं मिलेगा, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, वी आर वार्डनिंग फॉर जस्टिस एंड देयर इज़ अ शेमफुल थिंग कि हम लॉ के स्टूडेंट होकर हम अपने आप को इंसाफ नहीं दिला सकते तो दूसरों को क्या दिलाएंगे। हमारा ये मसला है, अगर आप इस मसले को हल करें, इस मसले को हल करने की कोशिश करें, ये जो हमारा लीगल डिमांड्स हैं आप उसको रिकन्सिडर करें कि ऐसे हम लॉ कॉलेज के लड़कों का मसला है क्या, पेपर क्यों नहीं लिए दिए जा रहे सारे मसले। बस मैंने आपको ये सारी बातें बता दी, मसला क्या है, ये जो सारा मैंने सारी स्टोरी आपको बताई कि आप उसको सुने और समझें, रिकन्सिडर करें और इसको आगे फैलाएँ कि ताकि उन कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हायर अथॉरिटी हैं जिनके हाथ में ये काम है तो उनके पहुँच जाए और हमारा मसला हो जाए। थैंक यू माई ऑल स्टूडेंट, ऑल माई फ्रेंड्स, थैंक यू। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फैलाएं कि उन तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।